नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन सिनेमा ब्लॉग्स में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्राइम पेट्रोल के सेट पे लाइव घुमाने वाला हूं, तो बने रहिए इंडियन सिनेमा ब्लॉग्स चैनल के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ये भाटिया आइसलैंड है, जैसा कि बोर्ड पर लिखा है भाटिया आइसलैंड अवेलेबल फॉर शूटिंग। ये वही भाटिया आइसलैंड है जहाँ पर क्राइम पेट्रोल की लाइव शूटिंग होती है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियो में बताया कि क्राइम पेट्रोल की लाइव शूटिंग यहाँ पे होती है, लेकिन शायद ही किसी ने इसके अंदर का लोकेशन दिखाया होगा। आज मैं आप सभी को इसके अंदर का लोकेशन दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए इंडियन सिनेमा ब्लॉग्स चैनल के साथ। इस वीडियो से पहले द कपिल शर्मा शो की लाइव शूटिंग लोकेशन, बालवीर रिटर्न्स की शूटिंग कहाँ और कैसी होती है, और भी तमाम तरह की फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अपलोड हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आप सभी को इस शानदार शूटिंग लोकेशन की सैर कराता हूँ। फाइनली मैं आप सभी को भाटिया आइसलैंड लोकेशन के अंदर लेके आ गया हूँ। अब इस जगह की पुलिस स्टेशन आप सभी को दिखाता हूँ, जो लगभग क्राइम पेट्रोल के सारे एपिसोड में आ चुका है। जैसा कि आप सभी को बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, फरजत नगर पुलिस स्टेशन, और बगल में शूटिंग चल रही है। अब मैं आप सभी को जेल, इन्वेस्टिगेशन रूम, पुलिस चौकी दिखाने जा रहा हूँ, तो आइए पुलिस स्टेशन के अंदर चलते हैं। ये है जेल, जो लगभग क्राइम पेट्रोल के हर एपिसोड में आता है, और इसके बगल में है ये है इन्वेस्टिगेशन रूम, जहाँ पे अपराधियों से पूछताछ होती है। अब सीधे चलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर पीआई केबिन में। ये क्राइम पेट्रोल के शूटिंग का वही लोकेशन है जहाँ क्राइम पेट्रोल में इंडिया के हर स्टेट का पुलिस स्टेशन दिखाते हैं। फाइनली मैं आप सभी को क्राइम पेट्रोल के पीआई केबिन में लेके आया हूँ। इसी जगह को क्राइम पेट्रोल के लगभग हर एपिसोड में इंडिया के सारे स्टेट के पुलिस स्टेशन की शूटिंग होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, और भी जितने भी स्टेट हैं उनके सारे पुलिस स्टेशन की शूटिंग इसी लोकेशन पर करते हैं। अब मैं आप सभी को क्राइम पेट्रोल के हॉस्पिटल, होटल, पोस्टमार्टम रूम की लोकेशन दिखाने जा रहा हूँ, तो बने रहिए इंडियन सिनेमा ब्लॉग्स चैनल के साथ। यहाँ पे क्राइम पेट्रोल में लिफ्ट, पुलिस कॉरिडोर, हॉस्पिटल, पोस्टमार्टम रूम, लॉज की शूटिंग करते हैं। इस जगह को कभी कॉलेज तो कभी कोर्ट रूम दिखाते हैं। अब मैं आप सभी को क्राइम पेट्रोल के बंगलो और गार्डन के लोकेशन पे लेके आया हूँ। ये जो व्हाइट कलर का बंगलो आप सभी को दिख रहा है, ये कभी पुलिस स्टेशन के आगे का भाग दिखा देते हैं, कभी कोर्ट रूम के, कभी किसी का घर बना देते हैं। इस जगह को इंडिया के इतने सारे लोकेशन दिखा दिए गए हैं क्राइम पेट्रोल में कि अगर विस्तार से बात की जाए तो दो चार वीडियो और बन जाएंगे। अब मैं आप सभी को इस बंगलो के अंदर लेके चलता हूँ। फाइनली मैं आप सभी को इस बंगलो के अंदर लेके आ गया हूँ। इस जगह के हॉल, किचन, बेडरूम के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हॉल की बात करते हैं। इस हॉल में ना जाने कितने सीन शूट हो चुके हैं सेटअप लगा के, जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। अब मैं आप सभी को क्राइम पेट्रोल के बेडरूम लोकेशन में लेके चलता हूँ। यह है क्राइम पेट्रोल का बेडरूम। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बेडरूम सेटअप बिल्कुल रेडी है, और ये बेडरूम इतने सारे एपिसोड में आ चुका है क्राइम पेट्रोल के, जिसके बारे में विस्तार से बात की जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। और ये है क्राइम पेट्रोल का किचन। ये किचन लगभग क्राइम पेट्रोल के हर दूसरे या तीसरे एपिसोड में आ ही जाता है। तो मैं यहाँ पे क्राइम पेट्रोल का खास करके इसलिए वर्णन कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को भी पता है कि क्राइम पेट्रोल की शूटिंग यहाँ पे होती है, इसके लिए इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इस जगह को क्राइम पेट्रोल में ऐसे ऐसे लोकेशन दिखाते हैं जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करने पे बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी मेरी कोशिश है कि जितनी भी जानकारी है वो सब मैं आप सभी को दे दूँ। अब मैं आप सभी को क्राइम पेट्रोल की दुकान पर लेके चलता हूँ। इस जगह को क्राइम पेट्रोल में कभी मीट की दुकान, कभी पंचर की दुकान, कभी कबाड़ी की दुकान, कभी किराने की दुकान, तो कभी मेडिकल स्टोर दिखाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। लव यू ऑल।